बिहार के सिवान में होली पर्व पर सिवान शहर और जंक्शन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ट्रेनों में हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जहां जीआरपी व आरपीएफ जवान चौकसी बरत रहे हैं, तो वहीं शहर में विभिन्न थानों की पुलिस वाहनों के लिए विशेष अभियान चला रही है। सिवान में होली और शबे बारात एक ही दिन होने से जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारियां किया है। इसी कड़ी में सिवान शहर में पुलिस ने गाड़ियों से मार्च निकाला। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने शहर के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। एसपी ने शहर में सुरक्षा का प्लान भी बनाया। होली और शबे बारात को लेकर प्लान के तहत 24 मुख्य स्थानों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। 12 जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वही सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सामाजिक व शरारती तत्वों और मनचलों पर नकेल कसने के लिए चौक चौराहा पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। नगर थाना अध्यक्ष सुदर्शन राम ने बताया कि होली पर्व व शबे बारात को लेकर चौक चौराहों पर विशेष रूप से महिला फोर्स की तैनाती की गई है। कुछ जगहों को चिन्हित कर वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जिन मुख्य स्थानों पर धार्मिक जुलूस का आयोजन होना है, वही संवेदनशील स्थानों पर भी पुलिस बल तैनात रहेगा। सिवान एसपी ने बताया कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है।